दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे, और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। दोस्तों, महिंद्रा की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक सबसे ज़्यादा रोबदार गाड़ी महिंद्रा थार। अब इसके अंदर ये स्पेशल वीडियो है इस थार के ऊपर, क्योंकि इसको ये मान लो कि महिंद्रा ने अपनी गाड़ी के खुद के ही रेट गिरा दिए, जो महिंद्रा की थार आती है उसके या फिर वैल्यू गिरा दी, ये मान लेना। वीडियो को एंड तक देख लेना, डिटेल में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, महिंद्रा ने लॉन्च कर दी अपनी महिंद्रा थार 4x2 के अंदर। लुक वगैरह आप देखोगे ना, वही लुक डिज़ाइन जिसके लिए महिंद्रा थार जानी जाती थी, वही सेम जो आपको यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें वही मिल जाती है, वही 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये जो है अपनी थार आती है। बट डिफरेंस इसके अंदर कुछ चीज़ें आई है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये है महिंद्रा की तरफ से आने वाली महिंद्रा थार 4x2। जी हाँ, पहले आती थी महिंद्रा थार 4x4। अब इस जो महिंद्रा ने क्या किया, महिंद्रा के थार को उतार दिया है 4x2 में। शायद इसलिए कि बता रहे हैं कि जैसे लीक वगैरह देखे गए हैं कि इसके 5 डोर में भी आने हैं, इसलिए हो सकता है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि थार हर कस्टमर तक पहुंचे। जिनको 4x4 की ज़रूरत ही नहीं है, उनके लिए सस्ती थार महिंद्रा ने दे दी। हाँ, इसके अंदर रेट भी डिक्रीज हुआ है, रेट वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है वीडियो के अंदर देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट से। देखिए दोस्तों, इसका फ्रंट का लुक आप देखोगे ना, सेम वैसे ही है जैसे महिंद्रा थार का आता है अपना, पूरा इधर महिंद्रा का लोगो, ये पूरी ग्रिल, इधर देखो थार की बेजिंग, ये वैसे ही पूरा मजबूत आप खड़े हो जाओ चाहिए इसके ऊपर। और ये यहाँ पे इसके हेडलाइट यूनिट, और ये देसी स्टाइल वाले जो अपना बोनेट के ऊपर लॉक अनलॉक का है जो सिस्टम है, इधर जो है टर्न इंडिकेटर, और इधर यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और देखोगे ना, पूरा लुक फ्रंट का लुक है, वही जो महिंद्रा थार का अपना आता था वही वाला लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर का ये बोनेट वगैरह, बड़ा बोनेट एरिया, क्रीजेस डिज़ाइन, ऊपर वाइपर वगैरह सेम वही चीज़ आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलेगी। और इधर बात करें, अब इधर भी आपको जो है यही क्लेडिंग थंडर के ऊपर आपको इसके अंदर ये मिल जाता है, और यही सेम क्लेडिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। और सेम अलॉय व्हील के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको सेम अलॉय व्हील का डिज़ाइन जैसे है वैसे ही आता था। यहीं पे महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे जो थार की बेजिंग, ये सारी चीज़ें आपको जो देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर यही टायर आपको देखने को मिल जाते हैं 18 इंच के, 255/65R18 के आपको जो है बड़े टायर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और यही जो है यहाँ पे भी आपको जो है ये चीज़ सेम वही 4x4 के अंदर आती थी, वही चीज़ वही फीलिंग आपको जो है यहाँ पे पूरी की पूरी देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे जो है थार का लोगो भी आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे भी थार का पूरा बेजिंग वगैरह, इधर भी आपको जो ORBM बड़े ORBM, पूरा लुक वगैरह आपको जो है वही फीलिंग आपको जो है इसके अंदर थार के अंदर आ रही है। कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को वो चेंजेस वगैरह नहीं मिलेंगे कि ये इधर बड़ा सा ग्लास एरिया, यही आपको थार की कुछ इस टाइप का लुक डिज़ाइन वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ से भी पूरा यही हार्ड टॉप, पूरा सेम वही डिज़ाइन। और अभी देखे चलते हैं हम रियर की प्रोफाइल पे, और रियर में भी आप देखोगे ना, पूरा वही सेम लुक डिज़ाइन आपको जो है महिंद्रा थार के अंदर देखने को मिल जाए। पीछे जो आपको ये पार्किंग सेंसर वगैरह देखने को मिल जाता है, यही यहाँ पे जो ऑन ऑफ लॉक अनलॉक का जो है सिस्टम मिल जाता है। की से हम इसको जो है लॉक अनलॉक कर सकते हो, आप पूरा ऐसे जो है इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, पूरा वही डिज़ाइन, पूरा पीछे का लुक। और ये जो है ऐसे कैसे ओपन होती है, पूरी की पूरी चीज़ें जो है इसको आप ऐसे क्लोज कर दो, और इसको आप जो है ऐसे क्लोज कर दो। पीछे का भी पूरा डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें चेंज हुई है, कुछ भी चेंज नहीं है महिंद्रा थार 4x2 और 4x4 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है तो इसका एक इंजन, इसकी बेजिंग और इसके प्राइज आप जो है 9,99,000 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइज है, स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इसका इंजन। तो देखिए 4x4 से 4x2 होने के साथ साथ इसके अंदर जो हुआ है अपना कम, ये इंजन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको बहुत बारी है। देखिए ये है इंजन, इसके अंदर अब आ गया है 1500cc का इंजन, देख रहे हो ऊपर कवरिंग वगैरह कहीं दी नहीं है। ये है 1500cc का इंजन, भाई पहले आता था 2200cc का, अब आ गया ये 1500cc का इंजन जो आपको 117 BHP की पावर देता है, जो 17 Nm जो है पावर कम हुई है इसके अंदर, और जो टॉर्क है वही सेम आपको जो है 300 Nm का टॉर्क ये जनरेट करके देता है, और हेवी वही सेम चीज़, वही सेम क्वालिटी आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर जो इंजन के साथ साथ पावर कम हुई है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो है आपको ट्रांसमिशन भी चेंज हुआ है। ट्रांसमिशन चेंज होने के साथ साथ 4x2 से 4x4 से 4x2 में आने के साथ साथ इसके अंदर जो है 80 से 90 किलो के आसपास जो है वेट भी कम हुआ है, वेट कम हो गया इंजन के अंदर, पावर टॉर्क वही सेम जो आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है, इससे इंजन है काफ़ी पेपी हो जाएगा। अभी हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंटीरियर कंप्लीट। इंटीरियर से पहले आपको मैं एक बार की दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप की इसके अंदर जो है की मिल जाती है, एक जो है आपको नॉर्मल फ्लिप की मिलती है, एक जो है आपको इसके अंदर
रिमोट की देखने को मिल जाती है। अभी चलते हैं हम अंदर के ऊपर, डोर के ऊपर वही थार, वही आपको जो ये लोगो वगैरह, ये जो पूरा डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल जाता है, ORBM कंट्रोल के लिए इधर बोटल होल्डर वगैरह, अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यही आपको जो है इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल वगैरह ऑप्शन, थाई स्पोर्ट वगैरह आप देखोगे ना, काफ़ी अच्छा थाई स्पोर्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, वही कम्फर्ट थार लिखा हुआ ऊपर एडजस्टेबल का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर जाके दिखाता हूँ। देखिए ये भी आपको जो है ये चढ़ने वाला सेम यही मिल जाता है, इसके अंदर ऊपर बढ़िया तरीके से बैठ जाओ आराम से। अब आ गए हैं गाड़ी के अंदर, देखिए गाड़ी के अंदर वही इंटीरियर वगैरह आपको जो सेम वही डिज़ाइन वगैरह मिल जाएगा, वही आपको जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाएगा। देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह है ना, ये आपको सेम वही मिलेगा जो बेंद्रा थार 4x4 के अंदर, कहीं पे भी आपको जो है इसके अंदर कॉस्ट कटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर पूरे पूरे वही आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और भाई इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल, और ये क्रूज़ कंट्रोल इधर इधर इन्फॉर्मेशन, जो अपना म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है वही, लोगो वगैरह, ये डिज़ाइन, और ये देखिए इधर भी आपको जो ये AC वेंट्स वगैरह के, और इधर देखिए एक आइडियल स्टॉप स्टार्ट का भी आपको जो ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है, ये देख रहे हो आप इधर। तो आप देखोगे ना तो कहीं पे भी आपको जो ऐसे लगेगा नहीं कि कॉस्ट कटिंग वगैरह हुई है। जो जो चीज़ें इन्होंने 4x2 से 4x4 से जो 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 चीज़ें इन्होंने 4x4 से 4x2 में लाने के लिए की है वो सिर्फ ज़रूर की है। और रेट के अंदर आपको जो है 3 लाख के आसपास का जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। फील वही, टॉक वही, पावर वही, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उससे वेट में भी जो है अपना कम हुआ है। और 4x2 जब 4x4 है ही नहीं तो उस मतलब पावर का करना ही क्या है। इधर जो आपको ग्लो बॉक्स, इतना सा ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाता है, इधर अपना महिंद्रा वाला डेसी स्टाइल, ये इसके अंदर जो महिंद्रा का अपना म्यूजिक सिस्टम आता है, होम, ये FM रेडियो वगैरह जो महिंद्रा की सारी गाड़ियों में आता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और रिवर्स डालते हैं, रिवर्स असिस्ट आता है, रिवर्स कैमरा आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। और ये पूरा म्यूजिक सिस्टम वगैरह, छोटा सा कार इन्फो वगैरह आपको जो इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो महिंद्रा की एडवेंचर कनेक्ट वगैरह आपको जो चीज़ें दिखाते रहती है इसके अंदर, सारी चीज़ें आपको जैसे जैसे आप मतलब 4x4 चलाओगे और चलाओगे तो उसके हिसाब से इसके अंदर सारी चीज़ें आपको जो है करनी पड़ेगी, सेटिंग वगैरह, एडवेंचर इसको भी आप जो है ऑन कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो है पूरा रफ रोड और कितनी ड्राइव हुई है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। और इधर आपको इसके अंदर जो है AC के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्शन वगैरह सेट कर सकते हो। ये AC का डिज़ाइन वगैरह, ये कुछ इस टाइप का इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल जाता है, वही रफ एंड रफ टफ फील होती है। इधर आपको जो है ये बटन्स वगैरह देखने को मिल जाता है, हील असिस्ट, लॉक ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इधर आपको 6-स्पीड गियर ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है, ये भाई वायरलेस नहीं है। और इधर आपको जो है ये जगह बना दी गई है, अब जो यहाँ पे पहले क्या आता था 4x4 का वो सिस्टम आता था, अब जो है वो ट्रांसमिशन यहाँ पे है नहीं, तो ये जगह आ गई आपको इधर देखने को मिल जाती है। ये गियर नॉब 6-स्पीड रिक्वायर्ड है ही अपना। इधर आपको जो है दो पावर विंडो एडजस्ट कर दिया, इधर कप होल्डर आपको जो है देखने को मिल जाता है, कप होल्डर वगैरह दे दिया, ब्रेक वगैरह दे दिया, कुछ इस टाइप का इसका पूरा इंटीरियर फुल बड़ा, काफ़ी स्पेशियस। इधर हार्ड टॉप आपको ये देखने को मिल जाता है, इधर वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, ये आपको जो है इसके अंदर IRVM देखने को मिल जाता है, इधर भी आपको जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर, कहीं पे भी आपको जो है कॉस्ट कटिंग वगैरह फील नहीं होगी पूरे इंटीरियर के अंदर। इंजन कम हुआ है, उससे रेट जितना कम हुआ है उसके हिसाब से इंजन के अंदर जो पावर वगैरह थोड़ी बहुत कम हुई है, बट इसके हिसाब से बढ़िया काम। अब भाई हर कोई जो है थार चला सकता है, मान लो कि महिंद्रा जो है अपनी थार की पूरा कब्जा करना चाहती है मार्केट के अंदर, और ये अच्छी पकड़ भी होगी। जिन लोगों की पहुंच से बाहर था, 3-4 लाख रुपए का फ़र्क आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इधर आपको लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है, इधर स्पीकर ट्विटर वगैरह आपको जो है सेटअप वगैरह देखने को मिल जाता है। अभी आपको पीछे की सीट्स पे जाके दिखा देता हूँ क्या सीन है इसके अंदर, और नीचे आपको जो है इसके अंदर यही सिस्टम मिल जाता है, गियर ब्रेक वगैरह पूरी रफ एंड टफ वाली फीलिंग आपको इधर देखने को मिलती है। नीचे इधर USB सॉकेट वगैरह, 12 पोर्ट का पावर सॉकेट, दोनों अलग अलग जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। चलिए अभी मैं आपको रिवर्स सीट पर जाके दिखाता हूँ पीछे क्या सीन है इसका। और अगर आपको कोई भी महिंद्रा की गाड़ी वगैरह लेनी हो तो आप DM महिंद्रा सेक्टर 18 गुड़गांव में कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये XUV 400 भी है, वो भी आप जो है इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं हम इसके पीछे की सीट पे। देखिए इधर से आप इसको करोगे, ये क्या है, यहाँ से इसको पीछे करना पड़ता है, और इधर से आप इसके अंदर चल जाओ पीछे, आपको जो है इसके अंदर वही सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, स्पेस वगैरह डिसेंट है, ये एडजस्टेबल आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। स्पेस वगैरह देखोगे ना आप तो ठीक है। देखिए
ऐसे स्पेस वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाएगा। पीछे कुछ भी है नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें बंद है, ये पकड़ने के लिए जगह है और फुल ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग आप जो है ले सकते हो भाई। तो दोस्तों ये है महिंद्रा की थार 4x2 के अंदर, आप फ्रंट का लुक वगैरह देख लो, इंजन वगैरह मैंने आपको बता दिया, थोड़ी पावर कम हुई है, वही सेम टॉक आपको जो देखने को मिल जाता है। इंजन 2000cc से 1500cc हो गया है, बाकी अब इंतज़ार है महिंद्रा की 5-door थार आने का, तब तक इसका मजा लीजिए। हर कोई थार को अब ले सकते हैं, हर किसी के रेंज में अब ये थार आने लग गई है, पहले है काफ़ी कॉस्टली चली जाती थी थार। तो दोस्तों ये था महिंद्रा थार 4x2 का फुल वॉकराउंड रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।